गुजरात में एक तरफ कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा योजवामां आवी छे, त्यारे आजे सूरतना प्रवासे कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे आव्या छे, जेमणे केन्द्र सरकारनी नीतिओ अने खास करीने वडाप्रधान पर आकरा प्रहारो कर्या हता। गुजरात में एक तरफ कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा योजवामां आवी छे, त्यारे आजे सूरतना प्रवासे कांग्रेसना राजकीय प्रवक्ता अभय दुबे आव्या छे, जेमणे केन्द्र सरकारनी नीतिओ अने खास करीने वडाप्रधान पर आकरा प्रहार कर्या हता। देशनी अर्थव्यवस्थाथी लईने सामाजिक रीते थई रहेली हैरानगति अंगेनी वात करता कह्युं के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी तेमना दोस्तोने बचावा माटे हवातिया मारी रह्या छे। सूरतमां कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबेए प्रेस कॉन्फरन्स योजी हती, જેમાં તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્ત અદાણીને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। એરપોર્ટ, બંદરો તેમજ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં અદાણીને બચાવવા માટે ભારતીય તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરાઈ રહ્યો છે। સીબીઆઈએ 6 જૂન 2027 રોજ એનડીટીવીના કાર્યાલય તેમજ સ્થાપક પ્રણય રોયના ઘર પર છાપો માર્યો હતો, તેના પરિણામ રૂપે અદાણી જૂથ આજે એનડીટીવીમાં 64.71% માલિક છે। 11 ડિસેમ્બર 2020 સીબીઆઈ દ્વારા અંબુજા સિમેન્ટ અને ઓફિસ ઉપર છાપો માર્યો હતો, પરિણામ રૂપે આજે અંબાણીએ અંબુજા સિમેન્ટને અધિગ્રહણ કરી બીજી સૌથી મોટી સિમેન્ટ કંપની બનાવી હતી। દુબેએ સરકાર પ્રહારો કરતા કહ્યું કે સરકારી બેંકો તેમજ સંસ્થાઓને અદાણીના શેર ખરીદી દેખાડવામાં આવી છે। અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની જરૂરિયાતો માટે ભારતની વિદેશ તેમના હિતને આધીન કરવામાં આવી છે। ઇઝરાયલની સાથે ભારતના રાજનીતિ સંબંધોને અદાણી કંપનીને સોંપવામાં આવ્યા છે। વિત્ત મંત્રાલય દ્વારા આપત્તિ આપવામાં આવી હોવા છતાં પણ 6 એરપોર્ટ અદાણી સમૂહને સોંપવામાં આવ્યા છે। સાથીઓ, આપ યાદ કીજીએ 2014 મે ભારતીય જનતા પાર્ટીને एक कैंपेन लॉन्च किया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 वर्षों तक इस बात का हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे दिन आखिर आने किसके वाले हैं, ये नारा किसके लिए दिया गया था। तो अब पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खास मित्र A1 और A2 अडानी और अंबानी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन उनके लिए दिया गया था। देश के युवाओं के तो बेरोजगारी भरे दिन आए हैं, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए हैं, किसानों के लहू लुहान कर देने वाले दिन आए हैं, और इस देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, MSME के लिए बर्बादी भरे दिन आए हैं। मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन सिर्फ इस मोदी सरकार में आए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट से इन बातों का खुलासा होता है। चाहे NSSO की रिपोर्ट देख लीजिए तो वो कहते हैं किसानों की आमदनी 27 रुपये रह गई, चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए तो वो कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में तबाही की कगार पर पहुँच गया है कांग्रेस के शासनकाल से। और बीते 10 वर्षों का अंतर यह है कि 1.60 करोड़ रोजगार उसमें कम हो गए हैं, 60 लाख स्टेब्लिशमेंट परमानेंट बंद हो गए हैं, और उसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि नोटबंदी से, वो बताते हैं कि गलत तरीके से GST लगाने से, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन से बेतहाशा इम्पोर्ट करने से हिंदुस्तान की ये बैकबोन को मोदी सरकार ने तोड़कर रख दिया। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करवाऊं और बताऊं कि देश के RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा था कि इस देश की ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि यहां कुछ 4-5 बड़े लोगों की मोनोपोली स्थापित की जा रही है। ये बात राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे हैं।